हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको वाटर प्लांटेशन के बारे में दिखाने जा रही हूँ। मैं अपने घर में काफ़ी सारे वाटर प्लांटिंग की हुई हूँ, तो एक तो मुझे पसंद है, मैं बहुत पहले से ही करती रहती हूँ। दूसरी बात यह है कि आज की जो वातावरण इतनी पॉइजनिंग हो गई है कि अपने आसपास जितने ज़्यादा प्लांटेशन करके रखो उतना अच्छा है, उतना ही आपकी एयर प्योरीफाई होगी और आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है और नेचुरल खूबसूरती तो है ही। तो फ्रेंड, आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि कौन कौन सी प्लांट वाटर में ग्रो किया जा सकता है अच्छे से। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये जानकारी। ऐसे में ये स्मॉल स्नैक प्लांट भी है, ये भी वाटर प्लांटिंग की जाती है, ये भी कर सकती हूँ, बट मैं अभी सोच रही हूँ ये ना करूँ। एक तो ये भी होती है और ये जो सैकुलेंट स्पर्म है इसे भी वाटर प्लांटिंग की जाती है, एक के वाली भी और एक ये प्लेन ग्रीन वाली भी, बट मैं ये भी नहीं करूँगी। आज मैं आपको ये जो है स्पाइडर प्लांट को वाटर प्लांटिंग करती हूँ। दो तरह के स्पाइडर एक ही पॉट में मैं लगाऊंगी, एक ये है और इसकी जैसे कि ये बेबी प्लांट निकली हुई है, तो इसकी देखिए यहाँ पे रूट है जो स्पाइडर की तरह होती है, तो ये बड़ी है। मैंने देखो एक ये ले लिया, ये ले लिया, देखिए इसकी रूट है यहाँ पे, है ना, बिल्कुल स्पाइडर की तरह। मैंने पहले भी आपको दिखाया था, और ये जैसे इस तरह की है वाइट और ग्रीन शेड की, और इसके साथ ही मैं एक ये लूँगी जो ओनली ग्रीन शेड में है। ये देखिए इसकी भी मैं यहाँ से, इसकी बेबी प्लांट देखिए कितनी सारी बेबी प्लांट निकली हुई है, तो मैं इसकी यहाँ से इसे मैं तोड़ लेती हूँ। ये भी तोड़ लिया, ये देखिए प्लेन ग्रीन है ये। ये दो तरह की स्पाइडर, देखिए इसकी भी बेबी प्लांट निकली हुई है। ऐसे ये वाली भी वाटर प्लांटिंग होती है, बट मैं अभी ये स्पाइडर प्लांट की प्लांटिंग करके दिखाती हूँ आपको। ये अब हम प्लांटिंग करते हैं। ये देखिए सबसे पहले ये जैम की बोतल है, कोई भी आप ग्लास की पॉट ले सकते हो, बोतल ले सकते हो, जो भी आपके पास खाली पड़े हुए हैं वेस्ट, या फिर मार्केट से परचेज भी कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। मैंने जैम की बोतल लिया हुआ है, साफ़ करके इसमें वाटर डाल लिया है। और ये रहे जो मैंने प्लांट ली हुई है गार्डन से, जो प्लांट तोड़ कर लाई हूँ स्पाइडर की, और ये छोटे छोटे स्टोन थे मेरे पास पड़े हुए, तो मैंने ये लिया है। इसकी कोई ज़रूरी नहीं है, ये बस पड़े थे तो मैं डाल दे रही हूँ, सुंदर लगते हैं देखने में। आपके पास हैं तो डाल सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने ये देखो, मैंने ये मनी प्लांट बिना स्टोन्स के डाले हुए, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। मनी प्लांट कितने सुंदर है, ये बहुत पुराने हैं, ये कम से कम 2 साल की प्लांट है हमारे, कितने सुंदर हेल्दी हैं और घने भी हो गए हैं और अच्छे ग्रोथ हैं इसकी, देख रहे हैं। तो इसी तरह अब जैसे ये है, ये बैम्बो प्लांट है हमारे, तो इसमें भी मैंने ऐसी वाली छोटी स्टोन डाली हुई है। और देखिए ये सिंगोनियम है, ये भी बिना स्टोन के हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वाटर प्लांटिंग, देख रहे हैं, सिर्फ वाटर है इसमें। और ये वाले जो है इसमें मैंने छोटे छोटे स्टोन डाले हुए हैं, बिल्कुल जनरल सिंपल, बाहर जो ऐसे होते हैं बिल्कुल ऐसे मनी प्लांट, देखिए कितने सुंदर हैं। ये भी हमारे बहुत पुराने, बहुत पहले के लगे हुए हैं, तो आइए देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ। आप कोई सा भी स्टोन डाल सकते हैं, या सी सेल जो होते हैं छोटे छोटे वो भी डाल सकते हो, सेल काफ़ी वैरायटीज़ अलग अलग तरीके के सेल आते हैं वो भी डाल सकते हो, या फिर देखिए ये वाली जो स्टोन आती है इस टाइप की, ये भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, और नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हो। कई बार बिना स्टोन के ही बहुत सुंदर लगते हैं, कोई सुंदर सा अट्रैक्टिव सा पॉट हो तो उसमें स्टोन की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब देखिए मैंने ऐसे स्टोन डाल दिया, थोड़ा मैंने ऐसे स्टोन डाला इसमें थोड़ा, और ये देखिए ये दोनों ही स्पाइडर प्लांट मैं ऐसे रख दिया,
ग्रीन भी और शेड वाली भी, प्लेन ग्रीन एंड सेट। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अब आप इसे कहीं भी रख सकते हो, इसे मैं जगह बनाकर कहीं रखती हूँ। अब ये देखिए मैं इसे यहाँ रखती हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे ये लगा दिया। इसे आप इसके अंदर ऐसे भी रख सकते हैं, कितने सुंदर लग रहा है देखो। और आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, जैसे भी आपको सुंदर लगे ऐसे भी रख सकते हैं। एक ये हो गया। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरी बेटी ने स्नेक प्लांट लेके आई है, उसे भी मेरे साथ साथ इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है इन चीज़ों में। तो ये कह रही है मम्मा इसे भी आप लगाओ। और पॉट भी अरेंज करके ले आई, इसके कवर टूट गए थे और सुंदर से पॉट हैं, तो इसमें वाटर डाला हुआ है ये देखो। और ये जो है स्नेक प्लांट, इसे मैं लगा देती हूँ इसमें। ये देखिए करना इसकी, ये जैसे रूट लंबी है तो मैं इसे तोड़ देती हूँ थोड़ी सी। ये मैं देखिए तोड़ दी। और इसमें ऐसे लगा दिया, बस कुछ भी नहीं करना है, सिंपल। लेकिन इसमें ये थोड़ा ज़्यादा पॉट बड़ा लग रहा है मुझे, ये थोड़ी छोटे पॉट में अच्छी होंगी। इसमें ये सेट कर रहा है, ये मनी प्लांट मैं इसमें डाल दे रही हूँ। हाँ ये इसमें अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर। और ऐसे ही सभी प्लांट वाली पॉट को मैं कहीं ना कहीं सेट कर दूंगी। और एक बात फ्रेंड, इस तरह से वाटर में हम पर्पल हार्ट जो प्लांट होती है, पर्पल हार्ट की, वो भी हम वाटर प्लांटिंग कर सकते हैं। अभी मेरे छत पे हैं, टेरेस वाले गार्डन पे हैं, वो तो मैं लाई नहीं, मैं कभी भी वो लाकर लगा सकती हूँ। और आपको भी मैं बता रही हूँ कि वो भी इस तरह से वाटर प्लांटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर किसी को अपने घर के अंदर अगर मिट्टी में लगाने में जैसे आलस आती है या प्रॉब्लम लगती है, मिट्टी नहीं मिल रही है, तो आपके पास अगर खाली पॉट हो इस तरह से, तो आप खाली पॉट में वाटर प्लांटिंग इस तरीके से कर सकते हैं। अपने घर की खूबसूरती भी बढ़ा सकते हैं और एयर प्योरीफाई भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। ये देखिए मेरी बेटी ने इसमें स्नेक प्लांट की दो और ले आई गार्डन से और इसमें लगा दी, इस वाले पॉट में। कितने सुंदर लग रहे हैं देखिए, इसमें कोई मिट्टी नहीं। जैसे आप सोचेंगे ना, थोड़े बड़े प्लांट लगाना है रूम के अंदर, इंडोर रखना है, कॉर्नर में रखना है, आपके पास मिट्टी की प्रॉब्लम है या मिट्टी इसमें लगाना नहीं चाहते हैं, कई लोगों को आलस भी आती है, तो बस कोई भी पॉट में बिल्कुल शार्प पानी ले लो इस तरह के। और देखो तीन स्नेक प्लांट लेके आइए, इसमें लगा दी, कितने सुंदर बड़े भी लग रहे हैं, आप कहीं भी कॉर्नर पे इसे रख सकते हो। तो इस तरीके से हर किसी को थोड़ी सी प्लांटेशन करनी चाहिए। और इसे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दे रही हूँ, सुंदर लग रहा है ना। अब ये बैम्बो प्लांट मैं कहाँ रखूँगी ये देखती हूँ। ये मैंने ड्राइंग हॉल के कॉर्नर में ऐसे, ये मेरे पास छोटे से बुलेट कॉट है, इसके ऊपर मैं ऐसे रख दे रही हूँ। ये देखिए इसे खूबसूरती तो बढ़ती ही है और रूम की एयर भी क्लीन हो जाती है, जैसे कि आप जानते हैं एयर प्योरीफाई होती है सारे प्लांट। अब ये देखिए, ये मैंने किचन सेल्स के ऊपर ऐसे डाल दिया है। ये बड़े से पॉट थे मेरे पास, उसमें मैंने सिंगोनियम का ऐसे डाल के रखा हुआ है। ये काफ़ी 2 साल से ऊपर हो गए, 2.5-3 साल समझ लो इसके लगे हुए हैं इस पॉट में जो प्लांट की हुई है। ये समय समय पे बीच बीच में मैं इसकी सिर्फ वाटर चेंज कर देती हूँ। बाकी देखो कितनी हेल्दी प्लांट है, कितने अच्छे हैं, ये किचन में रखा हुआ मैंने। ये देखिए, ये जो है इनो की छोटी सी बॉटल है, ये खाली हो गई थी तो मेरी बेटी ने इसमें भी लगा दिया। ये कितनी छोटी सी बॉटल है, इसमें मनी प्लांट लगाया हुआ है देखिए। और इसमें भी रूट देखिए, कितने अच्छे से रूट आए हुए हैं। देखिए फ्रेंड, ये हैं बड़े बड़े सेल और इसके नीचे मैंने काफ़ी तरह की नेचुरल स्टोन एंड आर्टिफिशियल स्टोन दोनों ही हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप वाटर में डाल सकते हो। तो इस तरीके से इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। इस तरीके से मैंने सारे प्लांट को, प्लांट वाले पॉट को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।